हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको 7 डेज का चैलेंज देने वाला हूं, ठीक है। इन 7 डेज में आपको जो जो मैं बोल रहा हूं वो करना होगा अगर आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, तो इस चीज को समझ लो यार। अब बहुत कम टाइम है, हमें 1 महीने में बहुत कुछ करना है, लेकिन उस 1 महीने में बाद में करेंगे। पहले हम इस सेप्टेम्बर मंथ के एंड होते होते यानी 7 डेज जो हमारे पास बचे हैं उसमें बहुत ताबड़तोड़ मतलब जैसे होता है ना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना क्रिकेट में, वैसी कुछ हम करने वाले हैं यहाँ पे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे किन बच्चों को ये वीडियो देखना है, उन्हीं बच्चों को देखना है जो इस प्लानर के अकॉर्डिंग 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं डेली बेसिस पे, एटलीस्ट इन 7 डेज में। जो बच्चे 12 घंटे डेली पढ़ाई कर सकते हैं सिर्फ वही रुकें, वही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आपके देखने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये मैंने पहले ही से आपको बता दिया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ऐसा ना हो कि आपने देखा अरे सर 12 घंटे हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पहले से, क्योंकि आपको अब तो पढ़ना होगा यार, अब नहीं चलेगा ये सब की सर कल नहीं पढ़ पाए, कल मामा आ गए थे तो हम नहीं पढ़ पाए, ना 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 ना, अब नहीं चलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर 12 घंटे कैसे पढ़े, स्कूल भी जाना है। जाना है स्कूल, 6 घंटे जाओ ना स्कूल, 6 घंटे सो जाओ, बाकी बचे 12 घंटे पढ़ाई करिए। 1 घंटा इधर उधर हो सकता है लेकिन ठीक है 12 घंटे। और दूसरी चीज, कल सैटरडे या संडे 2 दिन तो आपको पूरे मिल रहे हैं, कवर करिए कैसे भी करके, ठीक है। सिंपल है, 12 घंटे और 7 दिन 84 यानी कि आपको 84 आवर्स पढ़ना है। अगर आपका स्कूल है तो ठीक है, मैं मानता हूँ सैटरडे संडे पूरे दिन 24 घंटे हैं, उन दिन 18 घंटे पढ़िए, 18 घंटे, ठीक है। और बाकी दिन थोड़ा 1-2 दिन घंटे कम कर सकते हो, इस तरह 84 आवर्स होने चाहिए आपके पास। तो ये पूरा प्लान है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे देखो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये मैंने पूरा प्लान बना दिया है सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपके। और उन चीजों को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको मैथ्स कितने घंटे में क्या कवर करना है, उससे आपको आइडिया लगेगा इस टेबल के बारे में कि इसमें मैंने क्या एक्चुअल में दे रखा है, ठीक है। चलो इस पे आते हैं वापस इधर। अगर आप रियल नंबर को रिवाइज करते हो, पॉलीनोमियल्स को रिवाइज करते हो, तो मैंने एक मिनिमम आवर्स ले रखे हैं। आपको रिवीजन कहाँ से करना है वो मैं पहले बता दूं, किसके बिहाफ पे मैंने ये चीज लिखी है थोड़ा सा मैं बता दूं। ये एक सीक्रेट फोल्डर है, क्लास 10 सीक्रेट फोल्डर, ठीक है। इसमें आपको ऑल फॉर्मूला सीबीएसई सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको हर चैप्टर का चैप्टर वाइज सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छी बात ये कि कोई भी चैप्टर पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको लेटेस्ट पैटर्न पे मिलेगा। आपको देखो साफ दिख रहा है, मैंने लिख रखा है रेड मार्क क्वेश्चंस आर नॉट इन सिलेबस, यानी जहां जहां रेड मार्क कर रखा है वो क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। अगर आप किसी बुक से रिवीजन करोगे तो हो सकता है उसमें पुराने क्वेश्चंस भी हों जो सिलेबस में अब नहीं है, तो ये अच्छा फायदा है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको सिर्फ करने होंगे, ठीक है। और वो भी आपको मैंने लेटेस्ट पैटर्न पे मार्क भी कर दिए हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज रहेगी, तो यहाँ से आप करोगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यानी जो सीक्रेट फोल्डर है वो कहाँ से मिलेगा आपको, तो आपको सिंपल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिख देना आई वांट सीक्रेट फोल्डर, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल फॉर्मूला जो भी 10th बच्चे को टॉपर कर बनवाएगी वो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो आपको रिविजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करना है, मतलब जो फोल्डर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से रिविजन करना है। तो मैंने एक एजम्पशन लिया है कि जब आप रिविजन करोगे वहां से, अब आपको मतलब 7 डेज और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो बात अलग है, आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जल्दी कवर कर लिया कोई, अभी मैं बताता हूँ कैसे, तो आप और क्या कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। लेकिन एटलीस्ट सभी बच्चों को, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो जरूर कर लें, 40 में 40 आपका कोई नहीं रोक रहा है। बाकी मैं हूं ना, अक्टूबर में बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो रियल नंबर में 2 आवर्स, ठीक है, पॉलीनोमियल में 3 आवर्स, लीनियर इक्वेशन में 4 आवर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 आवर्स, ट्राइंगल में 6 घंटे लग सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी 6 घंटे लग सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में 2 घंटे, एरिया रिलेटिव सर्कल में 3 आवर्स। अगर मैं इनको काउंट करूं तो 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9, 9 × 11 = 16, 17, 17 × 6 = 23, 23 × 3 = 26, 28 आवर्स, कितना 28 आवर्स। लेकिन मुझे पता है कि मैंने 28 आवर्स लिखा है, ये तो स्टैंडर्ड हो गया 28 आवर्स, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए। क्या लग जाए? ज्यादा टाइम। तो अगर मैंने ये जो साइड में लिख रखा है ना, मैंने आपको जो टाइम टेबल दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग 6 आवर्स डेली है, यानी कि 7 × 6 करोगे, क्योंकि 7 डेज का प्लान है, तो 6 × 7 = 42 डेज,
यानी सॉरी 42 आवर्स, यानी 6 घंटे डेली मैथ पढ़नी है आपको, 6 घंटे डेली यानी 42 आवर्स, और मैंने 2 घंटे एडिशनल भी दिए हैं आपको, यानी 84, ठीक है, 84 आवर्स मिनिमम आप, सॉरी 44 आवर्स यहाँ पे मिनिमम आपको मिल रहे हैं, तो आप सोच लो 28 आवर्स आपको फिर भी मैंने दिया है कि भाई इतने घंटे में इतना चैप्टर कर लेना, लेकिन चलो तो सोच लो 28 यहाँ है और 44 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो लगभग में डबल हो रहा है, मतलब पूरा डबल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है कि अगर मान लो आपको 2 घंटे में कवर नहीं हो रहा तो आप 3 घंटे में भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 घंटे में नहीं हो रहा तो 4 घंटे कर सकते हो, ऐसा मार्जिन सेट कर सकते हो, टाइम आपको मैं ज्यादा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है इस टाइम टेबल में जरा ये समझते हैं, मिनिमम हर दिन 6 घंटे तो मैथ्स पढ़ना है, और सैटरडे संडे, ये आपका सैटरडे संडे वाला प्लान है, ये वाला, ये दो जो है आप 25 और 26 सितंबर, ये संडे वाला प्लान है, इसमें इसमें मैथ्स आपको पढ़नी है 8 आवर्स, इसीलिए मैं बोल रहा था डेली 6 आवर्स है, ठीक है, तो 6 आवर्स हुआ 42, और दो दो घंटे बढ़ा दिए यानी 4 घंटे बढ़े, नॉट 4 आवर्स, तो यानी 48 हो रहा है, तो काफी अच्छा, 20 सोचो ना, 28 आवर्स चाहिए इनके लिए, 28 आवर्स चाहिए आपको इनके लिए, आपको सीधे सीधे 20 आवर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अगर आपको ये चैप्टर्स प्रैक्टिस करनी, यानी हर चैप्टर में आप 1-2 घंटे आराम से इंक्रीज कर सकते हो, बड़े आराम से तैयारी हो जाएगी। कैसे मैनेज करना है, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं मैथ पढ़ी 8 घंटे तो आप बोर हो जाओगे, तो करना क्या है, मैथ्स को 2 घंटे पढ़ लिया, फिर मैथ्स को छोड़ दीजिए, साइंस को 2 घंटे पढ़िए, फिर साइंस को छोड़ दीजिए, फिर मैथ्स को 2 घंटे पढ़िए, फिर SST या अदर सब्जेक्ट, जैसे मन नहीं लग रहा चलो हिंदी पढ़ लिया, मन नहीं कर रहा इंग्लिश पढ़ लिया, जो भी आपका सब्जेक्ट है, संस्कृत है तो संस्कृत को पढ़ लिया, कंप्यूटर तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, और फिर वापस से मैथ्स 2 घंटे, तो 2 घंटे + 2 घंटे और यहाँ पे 2 घंटे, कितना हो गया 6 घंटे। सैटरडे और संडे में मैंने क्या किया है, शुरुआत में मैथ्स को सुबह से उठ जाओ 4 घंटे पढ़ लो, बाकी ये चल रहा है, बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे मैंने 4 घंटे कर दिए, यानी 2 घंटे इंक्रीज कर दिए, तो बन गया 8 आवर्स 8 आवर्स, बाकी फिर से वही सेम प्लान नीचे लिखा हुआ है, बाकी सेम प्लान नीचे है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब आप कहोगे सर कैसे मैनेज करें, देखो सैटरडे संडे मैनेज हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल आराम से होगा, आराम से सुबह से उठो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, देखो यार टॉप कैसे करोगे यार, अभी तक पढ़ाई नहीं करी तो अब तो करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए, बाकी मैं बता दूंगा और क्या क्या करना है, ठीक है, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, तो आप पहले ये सब कर लो 25-26 तक, फिर क्या करना है, यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि स्कूल होगा, अगर स्कूल ऑनलाइन चल रहा तो 3-4 घंटे मान लो ऑनलाइन चलता है, 4 घंटे मान लेते हैं, 6 घंटे आपके सोने के, 10 घंटे निकल गए, 4 घंटे में अदर एक्टिविटी मान लो स्कूल का होमवर्क ये सब, तब भी आपके पास 10 घंटे तो बचेंगे, तो वो आप इधर कवर करेंगे, आप इसमें और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, मतलब आपको बस अब सोना है, बस सोने के अलावा उठते हो जैसे ही पढ़ना शुरू करो, बस खाना खाया फिर पढ़ना शुरू करो, थोड़ा सो लिए फिर पढ़ना शुरू करो, हर वक्त दिमाग में रह के हमें पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे क्या करना, मान लो आपका स्कूल ऑफलाइन है, तो ऐसा केस में क्या करना, अगर पॉसिबल हो तो 1 छुट्टी ले लेना या 2 छुट्टी ले लेना, ठीक है, 2 छुट्टी मान लो आपने यहाँ पे ले ली, और अगर ऑफलाइन नहीं है ऑनलाइन है तो छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर स्कूल टेस्ट है तो एक अलग बात है, फिर छुट्टी मत लेना, नहीं तो कहो सर आशीष सर ने छुट्टी के लिए बोला था, ठीक है, टेस्ट ना हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज ना हो तो आप छुट्टी ले लेना, और यहाँ पे आप वो चीज फिर से मैनेज कर लोगे, तो एक दिन यहाँ का मार्जिन सेट कर लेना, मान लो यहाँ पे कम पढ़ाई हुई, 2-3 घंटे कम पढ़ाई हुई, तो अगर छुट्टी करी स्कूल की तो यहाँ मैनेज कर लेना, और अगर यहाँ स्कूल जा रहे हो तो यहाँ यहाँ पे कम पढ़ाई हुई है, इसको फिर यहाँ सेट कर लेना, हो गया पूरा कंप्लीट। देखो अब समझना, ये 2 घंटे तो सैटरडे संडे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपने 2 छुट्टी करी, 1 छुट्टी यहाँ की मैनेज कर ली और 1 यहाँ की मैनेज कर ली, क्योंकि जिस दिन आप छुट्टी करोगे उस दिन आपके पास पूरे पूरे 24 आवर्स है, जिसमें कि अगर मैं 6 घंटे आपके सोने के निकाल दूं प्लस 4 आवर्स और निकाल दूं तो 10 घंटे भी निकालने के बाद भी 14 घंटे आपके पास बचेंगे जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, जबकि मैंने टाइम टेबल में आपको डेली के लिए 12 घंटे बोला है, क्या बोला है 12 घंटे, तो 2 घंटे का जो मार्जिन है वो आप यहाँ सेट कर लोगे तो यहाँ आपको थोड़ा कम स्टडी करनी पड़ेगी, ये चीजें आप फॉलो करें, इस चीज को फॉलो करो और इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 101% फोड़ दोगे, और ये एक स्ट्रक्चर है, मतलब आप इसको फॉलो करेंगे कितने घंटे में करना चाहिए। देखो अब ऐसा है ना, तुम पता चले पॉलीनोमियल लेके बैठ गए, तुम पता चले करते जा रहे पता चले 8 घंटे पॉलीनोमियल में ले लिया, तो भाई स्पीड में करना, मैंने एक मार्जिन दे रखा है पॉलीनोमियल 3 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए, चलो मान लिया तुम थोड़े से तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है पहले, तो चलो इसमें टाइम लग गया मान लो 2 घंटे ज्यादा लग गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास है इतना मार्जिन घंटों का, ठीक है,
मान लो रियल नंबर रिवाइज कर रहे हो, 2 घंटे में नहीं हुआ, चलो 1 घंटा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रियल नंबर 2 घंटे लिख रखा तुम 50 घंटे ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्लान बनाओ, ठीक है, और आज से ही 12 घंटे का रिवोल्यूशन लो और बोर्ड एग्जाम में फोड़ देना है। तो सभी बच्चों को मेरे साथ फिर से एक बार एनर्जी में लिखना है कमेंट सेक्शन में, वी विल स्टडी फॉर 12 आवर्स एंड हम लोग बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे। इस तरीके से सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे, इससे एक एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी, इस पॉजिटिव एनर्जी से हम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वी विल स्टडी फॉर 12 आवर्स इन नेक्स्ट अपकमिंग 6 or 7 days, ठीक है, और बाद में लिख देना बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों।